नीट विच स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाई NTA, जिसमें हर साल लाखों ही लाखों बच्चे बैठते हैं इस होप में कि वो एम्स, जिपमर, AFMC, MIMC, SMS और इनके अलावा अदर प्रेस्टिजियस कॉलेज में MBBS परसू कर सके, और MBBS नहीं तो किसी न किसी और वे में मेडिकल फील्ड में एंट्री कर सके। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि नीट UG 2023 क्लोज आ रहा है, तो इन लास्ट मोमेंट्स में हमें क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए कि हम नीट UG क्रैक कर सके और नहीं तो अपना नंबर इंप्रूव कर सके या रैंक बूस्ट कर सके। मोहम्मद खालिद, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो आज हम ना नीट के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे कि नीट को अराउंड 1 मंथ ही बचा है और इस समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वैसे तो ये बात सबको पता ही होती है कि आपको क्या करना है, आपको कोचिंग, आपके मतलब जो भी जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी सोर्स होते हैं, आपको ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है कि क्या करना है। लेकिन फिर भी कुछ होता है कि उन्हें सुनने के बाद ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है, मतलब ज़्यादा सही लगता है कि ये बात सही है। तो हम दो सब एडिटिंग में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि मैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं लिख के भी लगे मैं कुछ भूलना जो बोलना। तो चलो हम पहले क्या करना है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, कि किन बातों का अवॉइड करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो उसमें सबसे पहले ना कि आपको अपना कोई नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। अब नए टॉपिक्स क्यों नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आप उन नए टॉपिक्स पर एनर्जी लगाओगे, उन्हें पढ़ोगे, उससे अच्छा आप जो पुराने टॉपिक्स हैं ना उनमें उन्हें ही कॉन्सोलिडेट करो। लेकिन नए टॉपिक्स पढ़ने में जो टाइम एनर्जी लगा उसका कोई सेंस निकलेगा नहीं, और फालतू में दिमाग खराब होगा कि अभी नए टॉपिक पढ़ने बैठे ये बच रहा है वो बच रहा है। हमारे से कोचिंग में हमारे डायरेक्टर थे, वो हमें कहते थे कि आपकी झोली में अभी जो जितना है ना उसको ही संभाल कर रखो, ऐसा नहीं हो कि आप कोई नई चीज़ डालने जाओ और जो पुरानी चीज़ वहाँ निकल जाए। तो इस सेंस में कह लो कि आप नए टॉपिक्स पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। और जो अगला पॉइंट है वो हर किसी पर अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए जिनका जस्ट एम ये है ना कि उन्हें जस्ट सिलेक्ट होना है, कि मार्जिन केस में जस्ट सिलेक्ट होना है। तो अब वो ये करें ना कि मान लो कोई पेपर आ गया आपका, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिनके कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, बस मैटर समझ में आ गया, जैसे फिजिक्स में कोई आ गया ABCD क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन आएगा जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा ये आएगा ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तब इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आप भूल जाओ कंसेप्ट, बाहर में जाए कंसेप्ट, आप बस ये सोचो कि ये क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे करूँगा, इसको रट लो या उस क्वेश्चन को जो छोड़ दो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप नए कंसेप्ट बिल्ड करो। मतलब कोई पुरानी वाली बात होगी, नए टॉपिक पढ़ो या नए कंसेप्ट बिल्ड करो, अब तो यही है कि जो क्वेश्चन आए समझ लो, नहीं समझे तो रट लो, ठीक है। फिर अगला ये है कि अब आपको दो चीज़ों से दूर रहना है, तो अपनी कोचिंग मटेरियल से और अपने नोट्स से एक हद तक। देखिए जो कोचिंग मटेरियल होता है उसमें NCERT भाई उसके अलावा काफ़ी एक्शन नॉलेज होती है। अब जो नीट में है उसमें आपको कोई एक्शन नॉलेज काम आएगी नहीं, ना ही कोई आपको आपके एक्शन नॉलेज से पॉइंट देने वाला है, तो वहाँ पर वही काम आएगा जो NCERT पढ़ के जाएगा। तो अब ये है कि NCERT को जितनी बार पढ़ सको, 2, 3 बार, 5 जितनी बार पढ़ सको पढ़ लो, NCERT का इन्हें रट लो। और मान लो कोई क्वेश्चन आया तो उस समय आप नोट्स खोलने का सोच सकते हो, लेकिन कोई खोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि नीट तो आएगी NCERT बेस्ड ही, जितना भी बोला सबको ही पता ये बात। फिर अगला ये कि सोशल मीडिया, ये इसको एलोबरेट करने की जरूरत है नहीं, सबको पता है सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक तरीके से टाइम वेस्ट है। फिर अगला है वुमर्स। अब जैसे जैसे नीट आती है कोई रिजल्ट का टाइम आता है उस समय अफवाहों का बाजार ना काफ़ी गर्म हो जाता है कि नीट कोविड आ गया, नीट पोस्टपोन हो रही है, नीट पोस्टपोन हो जाएगी, बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो मेरी यही रहेगी कि आप इन अफवाहों से दूर रहो, आपने अपने उस पर फोकस करके आपको पढ़ना है क्योंकि नीट पोस्टपोन होना या ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, वो जो है डायरेक्टर मतलब मैनेजर जो भी उन्हें NTA को देखे उनके हाथ में है। तो क्यों आप अपना दिमाग खपाओ या अपना टाइम इस फैक्ट पे वेस्ट करो कि नीट पोस्टपोन हो रही है नहीं हो रही है, और ना क्यों रिलैक्स, आप तो अपने पढ़ते रहो, पोस्टपोन होगी तो अच्छा, नहीं हुई तो उसके हिसाब से तैयारी कर ही लो। फिर अगला है कि अपनी स्लीप साइकिल। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, क्योंकि ये सबका अपने पढ़ने का तरीका होता है। मैंने खुद की अपनी कोचिंग में देखा है कुछ रात रात भर पढ़ के सिलेक्ट हुए, कुछ दिन में पढ़ के सिलेक्ट हुए। बस मैं ये कहूँगा कि आप जो नीट के पेपर का टाइम होता है कि 2 से लेकर 5:30 तक आप दिन में उस टाइम पर ना सोए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप रोज तो उस टाइम पर सो रहे हो और नीट के पेपर के समय पर आपको नींद आ रही हो, तो आप बस रात को जागे रात को सोए आपकी मर्जी है, आप बस इतना देख लीजिए जो जो 2 से लेकर 5:30 का टाइम है ना आप उस टाइम नहीं सो रहे हो। तो ये तो हो गया था हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऑलमोस्ट जो भी बातें बताई सबको पता ही होती है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है व्हाट टू डू, इसमें ना ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है क्या करना है। पहले तो ये है कि जितने क्वेश्चन हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी,
आप क्वेश्चन देख के पहचान लोगे आपको ये करना है, वो क्वेश्चन देखो तो लगेगा रिटिद है या आपसे गलती हुई थी आपको याद रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन सही हुए वो याद नहीं रहते, जो गलत हुए वो पक्का याद रहते हैं। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने फेमिलियर होगा, उतने जैसे पहले बताया स्पीड एक्यूरेसी जो भी फैक्टर है वो बढ़ता है। अगर मान लो आपसे इतने भी क्वेश्चन नहीं हो रहे तो जो आपको मिनिमम करके जाना चाहिए तो पीवाईक्यू तो कर ही लेना चाहिए, पिछले 7-8 साल के 2013-14 से आप कर सकते हो, तो कम से कम पिछले 7-8 साल के पीवाईक्यू कर लेनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा एकदम से। जैसे हमारे कोचिंग में कहते थे डायरेक्टर की कोई नीट नया क्वेश्चन तो लाएगा नहीं, आप लोगों से दुश्मनी दूसरे है नहीं, वही पैटर्न चलेगा जो पहले आ रहा था। जैसे पिछले साल वो आ गए थे अपने असेसमेंट रीजन आ गए थे, वो पहले आते थे एम्स के पेपर में तो एकदम से आ गया, कोई मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो पीएपी को फोकस करें, उसका ट्रेंड देखे वगैरह और देख ले, उसके हिसाब से फिर आप ये भी देख सकते हो ना कि कौन से क्वेश्चन का वेटेज कितना है, कौन सा टॉपिक आप छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो वगैरह। अब ये जरूरी है कि मान लो कि पेपर में आपने किया क्वेश्चन गलत हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप उस स्टार्ट को सो उससे पहले क्वेश्चन के आंसर आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर आप आ जाना चाहिए, भले आपने रट लिया या कैसे भी कर लिया और रट लिया समझ लिया वगैरह जो भी, और उस क्वेश्चन को रिवाइज करने के साथ साथ ना आप उसका जो टॉपिक उसका राउंड इवॉल्व करते हो उन्हें भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए वगैरह, उसके आसपास का भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। पहले बताई दिया था कि एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सको उतने पढ़ लो, 2 बार 3 जितनी बार आपको पढ़ोगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप वो लाइन मेमोराइज हो जाएगा आपको, क्योंकि देख के आपको याद आ जाएगा कि इस पेज पर थी वगैरह या ये पैराग्राफ था ये था। अच्छा एनवायरनमेंट में लो, क्योंकि कोई भी फैक्टर होता है हर जगह कहते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तो आप जितना स्टडी एनवायरनमेंट में रहोगे उतना आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। जैसे हमारे तो कोचिंग में कैंप लगते थे जिसमें एक रूम में करीब 100-150 बच्चे बैठ के सामने पढ़ते थे, तो उसमें पढ़ाई अच्छी होती थी। और इस समय बहुत कॉमन है कि आपको एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होएगा, परेशानी होएगी, कभी रोने का मन करेगा वगैरह, मूड स्विंग्स आएंगे, तो उस समय यह अच्छा है कि आप किसी के साथ अपनी बात शेयर कर लो। वो शेयर करने वाले कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट कोचिंग में आपके टीचर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है वगैरह, और खुश रहो यार, एंजॉय करो एग्जाम्स को, एंजॉय करो, एग्जाम आने वाले उसको कुछ नहीं हो सकता, जो तैयारी है वो है, अच्छी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब है तो खराब रिजल्ट आएगा। फिर ये है, ये काफी अच्छा मतलब आप कर सकते हो कि आपने जो भी गलती हो ना उसे एक नोटबुक में लिख दो, नोटबुक में लिख दो। अब एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले ना आप पढ़ोगे तो नहीं, पढ़ोगे तो आप मतलब आप सही नहीं कर रहे, पढ़ना नहीं चाहिए वैसे तो, उस समय आप बस ये देख लो आपकी गलतियाँ क्या है। जैसे मैंने मेरी नोटबुक बनाई थी लास्ट वन मंथ में जो हमारे टेस्ट होते हैं उसकी, उस समय करते करते आधी नोटबुक बढ़ गई थी मेरी गलतियों से, तो उसमें मतलब ये था कि कभी कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, कभी मतलब सिली मिस्टेक हो जाती, तो आप उसमें ये देख सकते हो कि लिख दो कि मेरी कैलकुलेशन में ये गलती हो रही है, मैं ये पॉइंट लगाना भूल गया, मल्टीप्लाई करना भूल गया वगैरह, तो एक एरर नोटबुक बना लो काफ़ी काम आएगी। और लास्ट में तो यही है कि स्ट्रेस लो मत, ये चैलेंज करो नीट के एग्जाम को, उसके बाद एक बार नीट हो जाएगी फिर तो लगेगा कि क्या चीज़ थी, कुछ नहीं था। हमें भी यही लगता है जैसे कॉलेज पहुंच गए थे, नीट तो कुछ था ही नहीं, फालतू में स्ट्रेस लेते थे, तो आप भी स्ट्रेस मत लो, एग्जाम्स को एंजॉय करो, लास्ट मोमेंट है आपके कोचिंग में। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एग्जाम से जस्ट पहले आप मत पढ़ना, पूरे साल पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत की, एग्जाम से एक दिन पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फालतू में एंग्जाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगी, उस दिन आप बड़े रिलैक्स करो, अच्छी नींद लो, अपने टीचर से मिल के आओ, उनसे बात करो, और रात को बस एक अच्छी नींद लो, अच्छी नींद लेके जाओ। तो अभी के तो बस इतना ही, एक जनरल पॉइंट पे हमने बात की, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिक जा नहीं सकते, क्योंकि हर कोई हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या हर किसी के जो पॉइंट जिस पर उसने वर्क किया है वो किसी पर अप्लाई होएगा नहीं, किसी ने रात पे पढ़ा, किसी ने दिन में पढ़ा, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है जो ऑलमोस्ट हर पे अप्लाई हो सकते हैं। अब मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी ये वीडियो डाला है, कई और लोगों ने भी डाला है, तो आप इन वीडियो के पीछे ना पड़े, क्योंकि इन्हें देखने से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप सुधे मोटिवेट हो जाओगे बस इतना ही होएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा यूट्यूबर्स सोशल मीडिया से दूर रहे, इन वीडियोस पर अपना टाइम वेस्ट करें ना करें, और जो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके बीच में कभी फाइट होती रहती है उनको भी अवॉइड करें आप देखना, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं बना, पढ़ाई में फोकस करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और एक आपको हार्श रियलिटी बता देता हूँ, अगर कोई ये सोचे कि एक महीने में नहीं ट्रैक कर ले तो ये तो नेक्स्ट वीक पॉसिबल है, जब तक तो ब्रिलियन माइंड ना हो नीट में एक महीने को क्रैक करना नामुमकिन है। आप बस इतना कर सकते हो कि मान लो आपके 200 आए तो आप 450 तक पहुँच सकते हो, आप इतना पहुँच सकते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं जो भी है वो आप पे वापस बैट लगा ले, एक बार मौका दे दे, आप खुद को अपना एक मौका दे दो। 200 से या 150 से 600 तक पहुँचना सिलेक्शन लेना नामुमकिन है, 500 या 450 से फिर भी आप सोच सकते हो, लेकिन 200 से पहुँचना नामुमकिन है।
अब जो जिन्होंने बिल्कुल ही शुरुआत नहीं की हो बस एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं कि वो अगली बार वापस ट्राई कर ले, क्योंकि जो लास्ट का टाइम होता है वो आपकी सिर्फ रैंक इंप्रूवमेंट का टाइम होता है, उसमें सिलेक्शन तक पहुंचना 200 से बहुत मुश्किल होता है।